अरे डूब के मारे आ नहीं ढंग से। स्टेटमेंट था दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कि समाज के अंतिम पायदान को उन्होंने लाभ पहुंचाया है, लोग खुश हैं। एक भी अर्कवंशी, जहां आज आप हम लोग खड़े हैं, एक भी अर्कवंशी समाज को उन्होंने किसी निगम का भी मेंबर बनाया हो तो बता दें। किसी नाई को, किसी बारी को, किसी बियार को, किसी रजवार को ये अगर एक मेंबर भी बनाए हों, ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि सबसे निचली पायदान पे खड़ा व्यक्ति को ऊपर ले आने की, तो क्या इन्होंने पहल किया? क्या किसी कश्यप के बेटा को निचली पायदान पे खड़ा कोई मेंबर बनाया क्या? एक सवाल और है, आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि दो शादी करने वाले हिंदुओं के लिए भी दंड का प्रावधान किया जाएगा। देखिए ये कब क्या बयान देंगे, ये खुद नहीं जानते कि हम क्या बोल रहे हैं। अभी इन्होंने बयान दिया गोरखपुर में कि 28 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया, फिर लखनऊ आके बयान देते हैं कि हम 14 लाख लोगों को नौकरी दी, फिर एक सप्ताह के बाद जाकर के अम्बेडकर नगर में बयान देते हैं कि 2.25 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3 सितंबर को कैबिनेट में प्रस्ताव पास करते हैं कि पुलिस और स्वास्थ्य को छोड़ करके सारी उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों पर रोक लगा दिया, कैबिनेट से पास हो गया, और 13 सितंबर को अलीगढ़ में जहां चुनाव होना है वहां जाके बयान दे रहे हैं कि हम 2 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है हम देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरी। ये कब क्या बोलेंगे, इनका कोई ठीक नहीं है। अभी इनका एक और उदाहरण बता दूं, मध्य प्रदेश गए चुनाव प्रचार में तो हनुमान जी को दलित बता के चले आए, तो ये कब क्या बोल रहे हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। सर चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली आज लड़की की भी अरेस्टिंग हो गई है, क्या लगता है आपको पीछे इसके पीछे? देखिए इसके पीछे सरकार चिन्मयानंद जी को बचाने में लगी है। आज वो पीड़िता इतने लंबे समय से अपनी फरियाद लेके घूम रही है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जिस रास्ते पर कांग्रेस पार्टी थी उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलकर सीबीआई और एसआईटी का डर दिखा करके उसका उपयोग करके उस लड़की के साथ अन्याय हो रहा है, उसको न्याय ये सरकार नहीं दे सकती है, वो सिर्फ चिन्मयानंद जी को बचाने का काम हो रहा है। सर्कल ट्रंप ने एक बड़ी बात कही है नरेंद्र मोदी के लिए, उन्हें फादर ऑफ इंडिया मोदी को बताया, क्या लगता है आपको ट्रंप के बयान को लेकर? ट्रंप के अमेरिका में चुनाव होने वाला है और अमेरिका में जो भारतीय है भारतीयों का वोट लेने के लिए ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है। हम मोदी जी आज आए हैं, इसके पहले पूर्व कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, आप लाल किला उठा के देखिए मोदी जी ने बनवाया, लखनऊ विधानसभा मोदी जी ने बनवाया, सड़कें जो मोदी जी ने बनवाया, जितने भी फैक्ट्रियां कांग्रेस ने लगवाई, हजारों हजार फैक्ट्रियां कांग्रेस पार्टी ने लगवाई, सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, एक भी फैक्ट्री खुलवाने की हैसियत नहीं है। आज मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और 4 लाख नौकरी से लोगों को निकाल दिया गया। सर हमारा सवाल है ट्रंप के बयान को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए वो बयान राजनीतिक है, ये दोनों मिल करके वो वहाँ वोट लेना चाहते हैं और वो ये यहाँ वोट लेना चाहते हैं। आप अगर 2014 की बात देखें, ट्रंप के यहाँ मोदी जी गए थे और वहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण गरीबों की दवाई, चाहे कैंसर हो चाहे गंभीर बीमारियां हैं, उन दवाइयों का रेट बढ़ा करके मोदी जी आए हैं। 2014 का उठा के देखिएगा, 180 दवाइयों का दाम बढ़ा करके आए हैं। आपको प्याज प्याज अमेरिका में मोदी का जादू चलेगा? अभी तो विरोध हुआ, उसको आपके चैनल पे कोई नहीं दिखा रहा है। सर प्याज की कीमतें 80 रुपए किलो पहुंच गई हैं, इसको लेकर क्या करें? इसी में भाजपा गई थी, आपके मनोज तिवारी जी ने गाना गाया था उस समय, आपका सलाद खैबा पियाजिया अनार हो गई, उस समय अटल जी की सरकार थी, हे अटल चाचा तुरे राज में पियाजिया पे मार हो गई। योगी सरकार के 250 लोग हैं, 10 में से कई नंबर देंगे? एक को नंबर नहीं। वो पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, अमीरों के लिए काम कर रहे हैं, लेकर नाम नसीबों का चूसा खून गरीबों का, वो लेकर नाम अमीरों का और खून गरीबों का चूस रहे हैं। हम खड़े हैं, आप हरदोई में आप बता दीजिए, एक भी अर्कवंशी को बता दें कि सिपाही में भर्ती करा दिए हों, एक भी इंस्पेक्टर बना दिए हों, एक नाई को, गौड़ को, पाल को, प्रजापति, कुमार को, निषाद को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को बना दिए हों, एक राजभर को बना दिए हों, किसका ये किए हैं, क्या कर रहे हैं?
सर आज एक स्क्रीन शॉट वायरल हो रहा है आपके बेटे का, जिसमें वो कह रहे हैं आज से मैं ब्राह्मण हो जाऊंगा, ब्राह्मण विरोधी हो जाऊंगा। ब्राह्मण विरोधी नहीं, ब्राह्मण विरोधी का सवाल नहीं है, ब्राह्मणवाद विरोधी। जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में छुआछूत हो, भेदभाव, ऊंच नीच, नफरत हो, उस ब्राह्मणवाद के खिलाफ मैं हो जाऊंगा। मैं छुआछूत नहीं मानता, महात्मा गांधी जी ने नहीं माना, बाबा साहब ने नहीं माना, किसी ने नहीं माना। जिस ब्राह्मणवाद में, मनुवाद में छुआछूत हो, भेदभाव, ऊंच नीच, नफरत हो, उसे हमको क्या लेना देना। हम सब इस देश के पहले तो नागरिक हैं, हम भारतवासी हैं, हम एक हैं, हम एकजुट हैं। ये आपस में नफरत पैदा क्यों की जा रही है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मंदिर मस्जिद के लफड़े में हमको क्यों झोंका जा रहा है? थैंक यू।